नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। शहर के पॉस इलाके में पेड़ से लटकी मिली लाश, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सारंगढ़ के मालदा गांव निवासी गेंदराम रात्रि 46 साल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। गेंदराम पेशे से राजमिस्त्री था और अपनी पत्नी के साथ स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में पुष्पक नगर में काम करने आया था। गेंदराम की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पढ़ने की कोशिश की जा रही है। स्मृति नगर चौकी प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शुक्रवार दोपहर को सूचना मिली थी कि पुष्पक नगर में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पेड़ की डाली से लटका हुआ है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तलाशी लेने पर मृतक के पेंट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट पढ़ने में नहीं आ रहा है, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है, जिसे एक्सपर्ट से पढ़वाया जाएगा। वहीं उसकी शर्ट की जेब से आधार कार्ड, गुटखा और कागज के टुकड़े मिले हैं। आधार कार्ड के जरिए उसकी पहचान गेंदराम के रूप में हुई है। जेब से मिले कागज में दो मोबाइल नंबर मिले, जिसमें एक गेंदराम के बड़े भाई और दूसरा उसके बेटे का था। पुलिस ने उन नंबर में फोन करके जानकारी दी तो पता चला कि उसकी पत्नी भी यहीं उसके साथ है। पुलिस गेंदराम की पत्नी और परिजनों से पूछताछ कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए जेएक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे।